नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं महेंद्र मधुकर के उपन्यास वक्रतुंड, गणपति श्री गणेश पर केंद्रित उपन्यास के साथ उपस्थित हूं। यह सभी लोगों को ज्ञात है, जो भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मतावलंबी हैं उनको पता है कि श्री गणेश जो है वह प्रथम पूज्य है। देवताओं में किसी भी पूजा से पहले उनकी आराधना और अभ्यर्थना होती है। आखिर वक्रतुंड उनका नाम कैसे पड़ा, श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन हैं, वो किस रूप में उनका मुख जो है वह गजानन की तरह हुआ, जितने भी नाम श्री गणेश से जुड़े हुए हैं उन सबके पीछे कौन सी कथा है, महेंद्र मधुकर जी इस उपन्यास में श्री गणेश के बारे में इसी रूप में सामने आते हैं। वे बताते हैं कि विघ्न हर्ता से लेकर विघ्नकर्ता तक श्री गणेश की जो यात्रा है वह सत्व के प्रति, तमस के प्रति, मनुष्य के स्वभाव के प्रति, उसके कर्म के प्रति, उसके ये जीवन चक्र के प्रति, इस पृथ्वी पर उसके दुख, संवेदना, ताप, परिताप के प्रति जो है वह एक ऐसे देवता की करुणा, उदारता, सहजता के साथ उपस्थित होती है जो मनुष्य की हर आकांक्षा को पूरा करता है। गणेश जी ने पृथ्वी लोक के वासियों के लिए किस रूप में अपने को उपस्थित किया, श्री पार्वती और देवाधिदेव महादेव शंकर के पुत्र होने के बावजूद उन्होंने देव लोक की बजाय अपने भाई की तुलना में, जो सभी को यह पता है या नहीं, जो गणेश जी के बड़े भाई हैं वह देवताओं के सेनापति हैं, लेकिन गणेश जी पृथ्वी का ताप हरने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में गणेश जी से अधिक प्रतिमाएं, अधिक तरह के चित्र शायद ही किसी देव और देवता के उपलब्ध होते हों। गणेश जी हर रूप में हर जगह उपस्थित होते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनकी अलग अलग तरह से प्रभा मंडल है, अलग तरह से पूजा होती है। यहाँ तक कि उनको लोग सहोदर, अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं। और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तो यह है कि अगर गणेश जी किसी की इच्छा पूरी नहीं करते तो लोग उनको जल तक में डुबा देते हैं और कहते हैं कि आप तब तक इसमें परेशान रहिए जब तक कि हमारा कष्ट हरण नहीं हो जाता। गणेश जी को क्रोध आता है, लेकिन वह क्रोध जो है भक्तों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए है जो उनके भक्तों को कष्ट देते हैं। वे अभय मुद्रा के सर्वाधिक सबल देवता हैं। महेंद्र मधुकर जी ने इस उपन्यास को एक दंताय विद्यमहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात के साथ शुरू किया है। और उन्होंने यह कहा है कि बिना श्री गणेश की कृपा के और बिना दिव्य ईश्वरीय शक्तियों के यह कृति नहीं लिखी जा सकती थी। और महेंद्र मधुकर जी की जो भाषा शैली है, जो शिल्प है, वह इस उपन्यास को विशिष्ट बनाता है। वह यह बताते हैं कि जहाँ देव जाति जो है वह युद्ध की प्रबल आकांक्षा से अप्लावित है, देवताओं को भय केवल तब होता है जब उनकी सत्ता पर कोई आक्रमण होता है, वो केवल राक्षसों और असुरों से परेशान होते हैं, लेकिन मनुष्य जाति जो है वह हर तरह की इच्छा, आकांक्षा, दुख, संताप, करुणा, संवेदना, तरह तरह के भावों से भरी होती है। गणेश जी का जन्म हिमालय में किन स्थितियों में हुआ, किस राक्षस से रक्षा के लिए देवताओं ने स्तुति की और उन्होंने यह माना, ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने, कि शिव और पार्वती की संतान ही जो है वह उनकी संरक्षा करेगी। भले ही श्री गणेश का जन्म देवताओं की रक्षा के लिए हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी करुणा को पृथ्वीवासियों के लिए समर्पित किया।
महेंद्र मधुकर जी की जो भाषा है वह अत्यंत परिष्कृत है, संस्कृत निष्ठ है। अगर मैं इसकी दो पंक्तियां पढ़ूं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का शिल्प और किस तरह का की भाषा शैली उनकी है और कितनी समृद्ध संसार है शब्दों का उनके पास। हिमालय की आकाश छोटी चोटियों पर जमा हुआ हिमखंड धीरे धीरे द्रवित हो रहा था। आज सूर्य की प्रभा भास्वर किरणें चांदी सी चमक रही थी। हिम के भार से दबी हुई वृक्षों की शाखाएं धीरे धीरे बाहर की ओर उन्मुक्त प्रकृति को निहार रही थी, हवा में लय थी और कैलाश पर्वत पीली हल्दी की गांठ की अंतर्निहित लालिमा की तरह रंगमय शोभा से भर गया था। कैलाश से वह शुरू करते हैं, श्री गणेश के जन्म पर आते हैं। श्री गणेश के जन्म के बाद जो स्थितियां घटती हैं, किस तरह से वे न केवल देवाधिदेव महादेव जो समाधिस्थ होते हैं गणेश जी के जन्म के समय, यह उपन्यास बताता है कि गणेश जी का जन्म देवी पार्वती जो है उपटन लगा रही थी और अचानक वो बहुत ही प्रफुल्ल हुई और उससे उन्होंने उनको गढ़ के प्राण दे दिया था। और वो इतना इनके स्वरूप पर स्वर्णिम आभा पर इस तरह से मुग्ध हो गई थी कि, और ये बहुत चपल और चंचल थे, जहाँ एक तरफ उनकी सेविकाएं और सारे लोग प्रसन्न थे, देवाधिदेव समाधिस्थ थे, इसलिए उनको पता नहीं था कि श्री गणेश उनके पुत्र हैं। और वह जब आते हैं अपने महल में प्रवेश करना चाहते हैं तो माता ने कहा था बिना हमारी अनुमति के किसी को आने मत देना, इसलिए गणेश जी उनको रोकते हैं। श्री शिव नाराज होते हैं कि हमारे ही महल में हमारे ही घर में हमको आने से रोका रोकने वाला यह बालक कौन है, और वह उनका गला काट देते हैं। उसके बाद जो तांडव होता है, देवी पार्वती जिस तरह से माँ काली का रूप धरकर पूरे संसार को, सृष्टि और ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए उन्मुख हो जाती हैं, देवता भयभीत हो जाते हैं, सभी अभ्यर्थना करते हैं और श्रीहरि यानी विष्णु जी जाते हैं और जो पहला जीव उनको दिखता है वह एक गजानन मतलब एक तरह से हाथी का बच्चा होता है, उसका वह गला ले आते हैं और श्री गणेश के ऊपर जोड़ देते हैं। उसके बाद की जो आभा है वो किस तरह से अपने प्रताप से परशुराम से लेकर नारद से लेकर तमाम तरह के लोगों को, देवर्षियों को, देवताओं को, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तरह के देवता हो सकते हैं वो समय समय पर श्री गणेश से न केवल टकराते हैं, बल्कि श्री गणेश इस उपन्यास में यह भी बताते हैं कि कली काल में वो किस तरह से अलग अलग रूपों में, हर काल में वो उनका जन्म हुआ है, उनका अवतार हुआ है, किस तरह से पूरे संसार के ब्रह्मांड की समस्त दैवीय शक्तियाँ जो हैं, ब्रह्म शक्तियाँ जो हैं, वह अपना सब कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश श्री गणेश को देता है। जन्म के साथ ही उनके चार हाथ थे, उनके मुख के बारे में वह बता चुके हैं। उनके हर रूप, जितने भी नाम हैं श्री गणेश के, हर नाम के पीछे एक कहानी है और यह उपन्यास उन सभी कहानियों से उत्प्रोत है। महेंद्र मधुकर जी हिंदी साहित्य के बड़े साहित्यकार रहे हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। 2 जनवरी 1940 को सीतामढ़ी बिहार में पैदा हुए। इस कृति के अलावा लोपा मुद्रा, दमयंती और भी, ब्रह्म बाबा की गाछी, कस्मय देवाय, त्रयंबकम यजामहे, वसंत सेना, नटखेला उर्फ बन्ना गोसाई, मैत्रेयी, कैक्टस लेन, वासव दत्ता, ये उपन्यास आ चुके हैं। आषाढ़ के बादल, अस्वीकृत इंद्रधनुष, आगे दूर तक मरुस्थल है, हरे हैं सालवन, मुझे पसंद है पृथ्वी, अब दिखेगा सूर्य, तमाल पत्र, शिप्रावात, प्रतिपदा, ये गीत कविताएं हैं। ढेर सारी आलोचना की पुस्तकें आ चुकी हैं, बहुत सारी कृतियों का संपादन कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर में रहते हैं और इस उम्र में भी सतत रूप से सक्रिय हैं। ये ऐसी कृतियां जो पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है, यह आख्यान जो है वह श्री गणेश पर न केवल आपको एक अलग दृष्टि देता है, बल्कि देवाधिदेव और देवलोक के साथ साथ जो पृथ्वी लोक का जो संबंध है, मर्त्यलोक का संबंध है, कैलाश किस रूप में इस पृथ्वी पर होकर भी पृथ्वी से ऊपर है, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कृति को जरूर खरीद कर पढ़ें। एक बेहतरीन उपन्यास है जिसे राजकमल पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है। इस उपन्यास का मूल्य 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 256।
उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।